गाइस, आज है 6 नवंबर और अभी 9:30 हुए हैं और दीपक का बर्थडे है कल 7 नवंबर को। जो एक रिचुअल बना रखी है घर पे कि रात को 12 बजे मीठा खा के विश करके फिर ही सोना है। तो अभी जब से अम्बर हुई है तब से तो मुझे बहुत जल्दी नींद आने लग पड़ी है। अगर वो जल्दी सो जाती है तो मुझे उसके हिसाब से 1 घंटे बाद नींद आ जाती है। तो अम्बर 8 बजे सो गई थी, मुझे 9 बजे से नींद आई हुई है। 9:30 हुए है सर, और मुझे 12 बजे तक वेट करना है। तो लेट्स सी कि कैसे होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी सीरीज़ वगैरह, होपफुली मुझे नींद आए। अपने बर्थडे पर तो मैं जैसे तैसे करके सो जाती हूँ, बट अभी तो बनता नहीं है ना। सो विश मी लक कि मैं सोऊँ ना, है ना। तो आपको मिलती हूँ 12 बजे। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे भगवान, ज्यादा हो गया। हैप्पी बर्थडे। और ये मैंने अपने बर्थडे से बचा के रखा है आपके लिए, हैप्पी बर्थडे मेरी और एम्बर और की। और साले की हवा भी नहीं निकली। हाँ, इसीलिए कि 2 हफ्ते का डिफरेंस था, तो इसलिए आप इंजॉय कीजिए अपना। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा बर्थडे तो जैसे मतलब दशहरा दिवाली जैसा सिस्टम है ना। हाँ, दशहरे के 10 दिनों 20 दिन बाद दिवाली आती है। और हमारा बर्थडे वही है ना कि जो मेरे बर्थडे पे होगा वही आपके बर्थडे पे होगा, सेम है ना। सो ये है दीपक की फेवरेट और मेरी फेवरेट बेनोफी पाई। ये हमारी इन्वेस्टमेंट, में दूसरी कैंडल ना हो तो ये है। यहाँ से सामने देख सकते हो, वहाँ पे एम्बर सो रखी है, 8 बजे से सोई है और अभी 12 बज गए हैं। तो हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब मैं और हमारे सब्सक्राइबर्स सब आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यू नो हमें इतना हंसाने के लिए। कितनी कॉमेडी जो आप में कूट कूट के भरी हुई है, ऐसे करते रहिए। और आपकी एज कितनी होगी बाय द वे? एज इज जस्ट अ नंबर। फिर भी कितनी हो गई है? 35। बस तो दोस्तों, मेरा है बर्थडे, तो मैं आप सबको एडवांस में थैंक यू बोल देता हूँ, क्योंकि आप इतने मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, इतने बर्थडे विश करेंगे कि मैं बोल नहीं सकता। लेकिन थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट्स। हार्ट्स आई हैव सो मैनी हार्ट्स, बट यू आर माई बेस्ट हार्ट्स। गुड मॉर्निंग गाइस, आज तो हैप्पी वाला बर्थडे है। आज तो सारे ब्लॉग में मम्मा बर्थडे बर्थडे बोलती रहेगी हैं। और हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा धूप निकली हुई है, चिल्ली सा वेदर हो गया ना सुबह सुबह। बर्थडे है तो चिल्ली वेदर है। अच्छा, एम्बर एम्बर ने सैंडल पहन ली सुबह सुबह, आज ठंडा है ना इसके लिए। फ्लोर ग्रोसरी आई है और मॉर्निंग में आ जाती है ग्रोसरी। और जब भी दीपक के लिए बर्थडे गिफ्ट आया तो मैंने सोचा कि दीपक आपके सामने खोले। तो आर यू एक्साइटेड? वैसे मैंने खोल लिया है, बट दीपक बोलो 1 2 3 ओपन। ओ वाओ, मैं ओवर एक्टिंग की दुकान। प्रेशर कुकर चाहता था अपने बर्थडे पे, तो दीपक को मैंने गिफ्ट दिया है प्रेशर कुकर, ताकि ये मेरे लिए अच्छा अच्छा कुकिंग कर सके। फीस पैक मैंने सुबह लगा लिया ताकि बाद में टाइम मिले या ना मिले। तो गाइस, मैंने दीपक को प्रेशर कुकर गिफ्ट कर दिया है, ताकि ऐसा गिफ्ट कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं देगी, इसीलिए मैंने ये दिया है। आई फील लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंजॉय दिस वन, एंजॉय। सो एक्चुअली ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, तो दिवाली के लिए तोहफा। इसको मैं एज अ नेकलेस भी यूज कर सकता हूँ गाइस, ये मेरा नेकलेस हो जाएगा गाइस। बेल्ट भी पहन लो अपनी पतली सी कमर पे। बेल्ट बेल्ट इतनी पतली कमर नहीं है। ओ और मैं इसको अपने वो भी बना सकता हूँ, टियारा, जो माथे पे लेडीज बनाती है, टियारा टियारा। चलो ठीक है। और अगर मेरा बहुत ज्यादा मन किया तो मैं कान का झुमका भी बना दूंगा इसको। ये यही करते रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बर्थडे आता है तो बर्थडे पे एक जो गिफ्ट मिलता है, मतलब जो एक तरह से एक ऑब्वियस गिफ्ट होता है किसी भी हस्बैंड को, वाइफ की तरफ, हस्बैंड की तरफ से वाइफ को या वाइफ की तरफ से हस्बैंड को, वो होता है जैसे कुछ मीठा, स्वीट डिश, है ना, स्वीट डिश मिलती है। और मेरी मिसेज ने, विशेष ने मेरे को दिया है स्वीट डिश। स्वीट डिश नाम
वो मैं बताऊंगी. आपने अपना बताया था. अच्छा. मुझे गिफ्ट दिया था. सो गाइस अभी बज गए 10, तो मैंने और एम्बर हम दोनों रेडी हो गए हैं, मतलब घर के लिए रेडी हो गए हैं. देखो एम्बर तो अपना फेस भी निहार रही है शीशे में. एम्बर मैंने न्यू मामी वाले कपड़े पहने आज. दीपक ने तो अपना बर्थडे गिफ्ट दे दिया था और बहुत वाह वाह खटली थी. पंजाबी से बोलते हैं खटना है ना, वो खा लिया था. क्रेडिट क्या खा लिया था. चलो ठीक है, आ रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ वैसे अभी तक. जोक्स अपार्ट तो आज दीपक का बर्थडे, मैंने सोचा कि दीपक को भी कुछ ऐसा दिया जाए जिससे दीपक का स्ट्रेस खत्म हो, थोड़ा सा दीपक को आराम मिले, दीपक की बॉडी अच्छा फील करे. इस दिन के लिए पैम्पर करूँ दीपक को. तो दीपक से सुबह से मैंने कोई काम नहीं करवाए, जो कि मैं यूजुअली करवाती भी नहीं हूँ, बट आज भी नहीं मैंने करवाए. सो अभी दीपक के लिए एक गिफ्ट आ रहा है, तो दीपक को खुद, दीपक आपको पता है आइडिया तो हो ही गया, अभी आपको कॉल आई थी मेरा, मैं नहा रही थी तो दीपक, वो कॉल दीपक ने अटेंड कर ली, तो दीपक को पता चल गया कि क्या है. मैं बताना नहीं चाहती थी कि क्या है, सरप्राइज ही होगा, बट दीपक के लिए मैंने आज एक मसाज बुक कर दी है. और मैंने अभी तक, आज तक अभी मसाज नहीं ली. एम्बर के बाद भी एम्बर, जब लेडीज़ नॉर्मली जो मसाज वगैरह करवाती है, मेरा वो भी नहीं टाइम लगा, बट आज दीपक के लिए मैंने बुक करी है स्वीडिश मसाज. आपने करवाई है पहले? मतलब मसाज करवाई है, पर ये मुझे कराई है. मतलब कौन था, किसने करी थी? जेंट्स. अच्छा, अभी भी जेंट्स ही आ रहे हैं, मैंने कोई लेडी नहीं बुक करी है. हम दोनों ने भी तो मसाज कराई थी. कब? जब हम वहाँ पे गए थे थाईलैंड. अच्छा, वो तो वो थी फुट मसाज थी. सो अभी दीपक करेंगे आराम अच्छी तरह से, और दीपक के साथ मैं तो आज लेबर, मैं क्यों बनूँ, जैसे दीपक नहीं लेबर बने थे अपने बर्थडे पे, तो मैं भी लेबर नहीं बनने वाली हूँ. तो अभी दीपक अपना एंजॉय करेंगे मसाज, नहाए धोए तो बिल्कुल नहीं है. उससे पहले थोड़ी नहाना होता है मसाज के, मुझे पता नहीं है ना अभी इन चीज़ों का. तो चलो अभी देखते आ गए ना वो. और एम्बर आपकी तो बहुत मालिश हुई है. एम्बू ये घर पे आज चप्पल पहन के घूम रही है इतने हैं. अरे सुनो कोई गेट पे आया है. वो आ गया. एम्बर कम हियर. आपका नहीं है कुछ, चलो कम हियर. वो है क्या? बेड है. दीपक क्या बात है. एम्बर तू आजा, आप तो बालकनी से एंजॉय कर दे. कम हियर एम्बर, लेट्स गो. हम लोग अपना एंजॉय करते हैं. चलो. सो दीपक तो एंजॉय करेंगे एक घंटे के लिए अपने रूम में. मेरे को तो पता ही नहीं था बेड भी होगा. अरे देख लेती हूँ, तो मैं तो अपनी धूप में एंजॉय करूंगी अपने बाल सुखा कर. दीपक लुंगी वाली मेरी स्कर्ट में, क्या हो गया? लगता है आपको वो बाबा बन गए हो आप. आई एम एनलाइटेंड. कैसा रहा? हम तो धूप सेक के मजे ले लिए हैं गाइस. मैंने और एम्बर ने तो धूप सेक के अच्छा अपनी बॉडी को आराम दे दिया. दीपक तो अपना देखो कैसे घूम रहे हैं. हाँ क्या एम्बर देख रही, पापा ने क्या पहन लिया है? देख कैसे बैठ गई है एम्बर, क्या हुआ? ये पापा जनानी बन गए. सब्सक्राइबर का मैसेज आ गया कि वो हमें केक देना चाहते. खुद आई यहाँ पे केक देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाहर थे, तो हम लोग उसको जल्दी मिलने वाले हैं. जल्दी मिलेंगे ना उनको, थैंक यू बोल देंगे अभी घर जाके, केक देखते हैं उनका. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही काम के लिए. तो और एम्बर आज हमने प्लान करा था कि हम लोग येलो फैमिली बनेंगे. मैं और दीपक तो ऑलरेडी बन गए हैं, एम्बर भी बन गई थी, बट आने से पहले हम लोग दो चार फोटोज क्लिक कर रहे थे. और एम्बर की वो जो फ्रॉक थी, इसके सारे कपड़े आ जाते हैं, लेंथ वाइज भी आ जाते हैं जो इसकी एज के होते हैं, बट उसके यहाँ आर्म से उसके शोल्डर से गिरते हैं वो कोई भी कपड़े, जैसे कि ये है. उसमें इशू था, वो उसकी कमर से उसका इलास्टिक टाइट था. अच्छा. ये कुर्ती होती है तो इलास्टिक ऊपर जा रहा था और ड्रेस शोल्डर से नीचे. हाँ, इतनी प्यारी ड्रेस थी, तो हमने तीनों ने येलो पहना था, बट फिर हमें टी शर्ट वही रहने दी और एम्बर ने ये फ्रॉक अपनी स्कर्ट पहन लिया.
हम लोग बर्थडे पे जैसे मैं कुछ ना कुछ बनाती थी पहले प्रॉपर, कुछ भी अगर दीपक को पसंद है या मुझे पसंद है बर्थडे वगैरह पे सब कुछ बनाती थी। बट अभी क्या हो रहा है, अभी काम इतना हो जाता है अंबर की वजह से, तो दीपक और मैंने ये चूज करा है कि हम लोग बाहर से खाना मंगवाएंगे बर्थडे वाले दिन या कोई भी ओकेजन वाले दिन जैसे एनिवर्सरी वगैरह है, और वो टाइम जो है कुकिंग वगैरह का वो हम लोग स्पेंड करेंगे इकट्ठे, है ना, क्वालिटी टाइम, क्योंकि बाकी टाइम तो वर्किंग ये सब कुछ होता है, तो इसीलिए ये टाइम इकट्ठा स्पेंड करने के लिए है। अभी काफ़ी रौनक है, नेक्स्ट वीक दिवाली है, तो हमने दिए वगैरह तो ले लिए लास्ट वीक, और लाइट्स वगैरह हमारे पास पिछले साल की पड़ी हैं। अच्छी वाली लाइट ली थी मैंने, चलती होंगी सारी, देखते हैं। मैंने बोला था कि आज लगा लेते हैं कि एक हफ्ता तो चले एटलीस्ट दिवाली से पहले, तो बर्थडे के लिए तो बोल रही थी बर्थडे के लिए चलाएंगे ना लाइट, बर्थडे वाले दिन मैं काम नहीं करूंगा ये आज ऐसे बोल रहे हैं। सुबह से मैं आज ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करा, मेरा बर्थडे है आज तक नहीं कभी करा, बर्थडे है मेरा। गाइस मेरी बेटी को अनोखा ही डर लगता है इसको अलग अलग चीजों से, अभी देखो कैसे घबरा के बैठी है, जो भी होता है इसके ना, ये ऐसे नहीं है कि पहले था पहले से ही था, ऐसा नहीं है, पहले किसी चीज से था उससे डर हट गया, अपने आप ही हट जाता है, वो एक दो बार लगता है उसके बाद हट जाता है। अभी इसको सेकंड टाइम आज हम फील कर रहे हैं कि इसको डर लग रहा है, जैसे वो लाइट है ना स्कूटी वगैरह की किसी की कार की, वो रेड ब्लिंक करेगी जब, इंडिकेटर लाइट, तो ये डरेगी। सिग्नल पे इतना ट्रैफिक था तो सारे लोग ऐसे क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे सारे ऐसे लाइट ब्लिंक कर रही थी, इतना चिल्लाई अभी देखो तब से ऐसे डर के बैठ गई है ये, देखती भी है। हाँ देखना भी है ऐसे गर्दन ऊपर कर करके देखना भी ऐसे ऐसे बाहर को, बट फिर हो जाना इस तरह। गाइस नो सोशल डिस्टेंसिंग हियर, लोग दिवाली के शॉपिंग के लिए इतना बिजी हो रखे हैं कि यहाँ पे भूल गए हैं, है ना। सो आर सब्सक्राइबर, उन्होंने एक केक बनाया है और ये दीपक के लिए हमारे लिए भेजा है, और लुक एट द पैकिंग, बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग है। दृष्टि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने जब इसको देखा मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोनिया को बोला सीखो कुछ दृष्टि से सीखो, ऐसे करते हैं, ऐसे गिफ्ट देते हैं, इतना प्यार स्नेह। और सबसे अच्छी बात है कि वो खुद घर पे आके डिलीवर करके गई है, हम लोग बाहर थे तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिल नहीं पाए, बट थैंक यू सो मच दृष्टि। हम लोग और केक नहीं लेके आएंगे, हम लोग और केक नहीं, बस ये हो गया, दो केक हो गए। लेट्स ओपन इट। अरे वो बहुत ही प्रिटी सी, ये हैंडमेड है। यस दृष्टि ये हैंडमेड है, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट है यार, परफेक्ट। गाइस ये केक भेजा है मेरे ब्रदर भाभी ने, तो इसलिए दीपक पाजी लिखा हुआ है, उन्होंने पाजी मतलब भैया। दिन करवा चौथ पे दीपक को मैं बोल रही थी कौन से स्वीट्स मंगाए, तो काजू कतली खानी थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी यहाँ से, ऑनलाइन मुझे मंगवानी थी, बट आज आई डोंट नो व्हाई ये केक पे कतली आ गई है, काजू कतली। दूसरी बात ये है कि इस बार मैं केक नहीं लेके आई हूँ, मैं रात को जो पाई लेके आ गई थी वही है, दीपक ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना करा है। पर बलून का है पापा का हैप्पी बर्थडे वाला, बलून देख के तो ऐसे भागी वो किसी और का बलून देख के ना। हैप्पी बर्थडे दादा, हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय नी मेरे हैप्पी बर्थडे ते, ओए 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 ये कट लो तो वाला। हां हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले लग रहा था इसके जब घर पे पहुंचे तो थोड़ी हैप्पी मूड में थी ना, थोड़ा खेल रही थी मेरे साथ, तो लगा कि चलो केक काट लेते हैं ना तभी, लेकिन जब इसको बिठाया तभी इसकी चूसी शुरू हो गई। अब देखो ये यहाँ पे हमने अभी केक काटा है और अभी इसका खा भी नहीं पाए प्रॉपरली। हाँ क्या करो इसका, अच्छा ओके ओके पिकअप ये करो ओके
क्या करो पुत्र? पीकाबू पीकाबू ए भाई दृष्टि, आपका तो केक ही बहुत बढ़िया था। आपके लिए खुशखबरी है दृष्टि, हमारे एनिवर्सरी का केक भी आप ही देंगे। और एक और केक हमारे पास आया जो काजू कतली खाने का मन था, जब ये सोनिया ने व्रत रखा था ना, तो सुबह जैसे मिठाई मंगा लेते हैं, तो एक बार दिमाग में आया, पर ऐसा भी नहीं था कि वो शॉप पे जाके लेना है, तो सोचा ऑनलाइन ही मंगवा लेंगे। वो मिली नहीं, तो मोतीचूर के लड्डू मंगवा लिए, वो भी अच्छे थे, लेकिन काजू कतली वाला केक आ गया, बताओ। सो गाइस, बच्चे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है, जब स्पेशली वो टाइम हो जब खाने का टाइम होता है। तो अभी दीपक का बर्थडे तो फिनिश हो रहा है, थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेस। और एम्पर पता नहीं ला मेरे बर्थडे को भी और दीपक के बर्थडे को, बच्चों को अकर बजाते बच्चों को, अभी दिवाली पे पता नहीं क्या होगा। पर मतलब बच्चों को कैसे पता चल जाता है कुछ है, इतना परेशान करते, बाकी दिन इतना खेलते हैं ना अपने आप, चेयर पे नहीं बैठ रही थी, पता नहीं यार। अभी इसको नींद भी आ गई थी, 8 बजे सो गई अभी, तो हम तो अभी बर्थडे अभी सेलिब्रेट करेंगे, जब तक बर्थडे आज 12 नहीं बजते मूवी वगैरह देखेंगे अच्छी तरह ना भी। डोंट लेट योर किड्स स्पॉइल योर बर्थडे, अपना बर्थडे इंजॉय करो, बच्चे हैं बट कोई बात नहीं, है ना भी, बच्चों को सुला दो। हाँ, और चिल करो। हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, मूवी या टीवी सीरीज? टीवी सीरीज। तो चलो ठीक है ना, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द बर्थडे विशेस। ले लो, देते नहीं है जल्दी ये, थैंक यू। ले 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 लो, बटोर लो। देखो मेरी कदर तो आपने डाली है, सीधी सी बात है, ये तो ऐसे ही है, अगर आप मुझे ना मिलते तो शायद, लेकिन मेरी एक अलग ऑडियंस है। आपको तो सारे प्यार करते हैं भाई, नो डाउट। मेरे को एक जो मेरा स्किल, जिसकी मेरी वाइफ ने घर की मुर्गी दाल बराबर कदर नहीं की, उसकी कदर आपने करी, मतलब तो, जो गुण था वो दीपक में, वो आप लोगों ने पहचाना। आप बोलते हो ना कि आपको, आप जब मेरे को देखते हो आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है, एक यू फील हैप्पी, जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है, तो वाह जो तो मेरे बारे में होता है, बाकी तो मैं ऐसे ऐसे निकाल देता हूँ फटाफट। देख लो गाइस, सच्ची में दीपक इज सेल्फ ऑब्सेस्ड मैम, तो दीपक को कोई कमेंट्स भी करता है ना, तो बार बार पढ़ते रहते रिप्लाई कभी करते हो? अच्छा वो करते हो, हार्ट भेजता हूँ, और उसके बाद अपने जहाँ पे दीपक का नाम होगा वो जो रिप्लाई मिलेगा वो दीपक ने किया होगा मेरे से पहले, सोचो मेरे कमेंट से कोई मतलब नहीं। सोनिया के होते हैं, सोनिया के वही होते हैं, सो स्वीट, लुकिंग ब्यूटीफुल। सो गाइस, बहुत टाइम हो गया, मतलब ये वाला हाथ नहीं खड़ा करा कि साइलेंट व्यूअर कहीं है, साइलेंट जो लोग कभी कमेंट्स नहीं करते हैं बट वीडियोस देखते हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दो, बहुत अच्छा लगेगा हम दोनों को, है ना। मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे दो भाई, ये गिफ्ट मांगते रहेंगे, और बेल आइकन जरूर दबाओ यार। बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन को ऐसे आज ऐसे कर दो, ऐसे जैसे दिमाग की घंटी होती है ना वैसे बजा दो, ताकि आपको हर मैसेज, हर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए। चलो गाइस, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।